ये मैच रेड़ा और रामबास के बीच में, ये राइट बॉल, एक शून्य, दो शून्य, दो रेड़ा, शून्य रामबास। तीन जीरो। चेंज सर्विस चेंज हुई रामबास के पाले में, गेंद पानी में, चार जीरो। जीरो रामदास, पांच छह जीरो रामदास। चौथा क्वार्टर फाइनल इस प्रतियोगिता का, यहाँ से जीतने वाली सेमीफाइनलिस्ट जो टीम है वो दूसरे नंबर की माधव सिंह से खेलने वाली है। बहुत अच्छा छोड़ यहाँ पर, अब रामबास के लेफ्टी खिलाड़ी के द्वारा पहला पॉइंट उनके खाते में आता हुआ, एक साथ 17 स्कोर है। ग्राउंड आउट राइट फुट, तो 2-7 दूसरा पॉइंट रामबास के खाते में, 2-7। अच्छी सर्विस यहाँ पर
ब्लॉक का प्रयास नेटियर के द्वारा, तो जिस प्रकार मैंने बताया था तुरंत उसी टाइम से शुरुआत करती रामबास की टीम ने। अनुभवी टीम दोनों ही टीम में बराबर की कांटे की टक्कर 3-7। रामबास वर्सेस नेट टच इंग्लैंड जो कि फाउल होता है। सर्विस तेज रंडेला 7 रामबास 3। 7-3 के स्कोर पर चलता हुआ मैच, बहुत अच्छी इंग्लैंड यहां पर युवा लड़के के द्वारा। पॉइंट 8वां रंडेला के खाते में 8-3। ज्यादा क्रॉस कोर्ट आउट ऑफ द ग्राउंड 9-3 रंडेला 9 और रामबास की टीम 3 सर्विस बोल। एक और आउट स्कोर यहां पर, तो जिस प्रदर्शन की उम्मीद दर्शक कर रहे थे रामबास से थोड़ा सा उससे कम लेवल की खेलती हुई अभी तक 11 पॉइंट ग्राउंड से धारदार सर्विस अच्छा प्रयास विफल सर्विस तेज 3-11 के स्कोर के साथ रामबास सर्विस करेगा चौथा पॉइंट रामबास एक अच्छी टीम है जानी मानी टीम है और सभी दर्शकों को भी मिलते जरूर एक अच्छी वापसी यहाँ पर करेगी। एक और मिस यहाँ पर काफी होल्ड होती है बॉल नेट में, यही तो चीजें होती है कि अगला अगर मैच है तो पहले मैच में टीम को मैदान के आसपास रहना चाहिए, मैदान के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको कवर करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब तक मैच नहीं है इतना टीम इधर उधर घूमने में ज्यादा व्यस्त रहती है, मैदान के पॉइंट कम हो जाती है। 11-5 सर्विस चेंज, माधव सिंघाना के खिलाड़ी बिल्कुल नजरें जमाए हुए मैदान के ऊपर, अनुभवी टीम अपने क्षेत्र की। 12-5 12 डंडेला 5 रामबास, अच्छा प्रयास, तुम्हें जबरदस्त जवाब भी दोनों नेट के खिलाड़ियों के बीच में टक्कर। स्कोर अभी भी बहुत अच्छा, लेफ्ट हैंडर शॉट यहाँ पर बिल्कुल सौरव गांगुली की नकल में, स्कोर बढ़ता हुआ डंडेला का 13-5। बहुत अच्छी मेहनत यहाँ लगातार स्कोरर के द्वारा। 14 पॉइंट 14 नंबर जुड़ता हुआ डंडेला के खाते में 14-5। रामबास की टीम से अभी भी उम्मीदें हैं दर्शकों को, बिल्कुल वापसी करेगी ये टीम, एक संघर्षशील टीम है ये। बॉल मैदान से बाहर, सर्विस चेंज 5-14 रामबास के खिलाड़ियों के हाथों में सर्विस, 5-14 का स्कोर है। आउट ऑफ द ग्राउंड ये शॉट चला गया 6-14 6-14। गांव गुड़िया का ये खेल का मैदान, दर्शकों से खचा के मुकाबला भरा हुआ, बहुत ही अच्छा खेल का माहौल, मौसम भी अनुकूल, बहुत ही सकारात्मक, बिल्कुल खेल के लायक यहाँ मैदान का माहौल। उतनी अच्छी सेवा और सुविधा गुड़िया की कमेटी के द्वारा आए हुए मेहमान खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है,
बहुत अच्छी चोटियां पर उतनी चपलता के साथ नेट ने भी डबल अटैक यहां से हुआ और इसका फायदा रामबास की टीम को, हर एक टीम को प्रत्येक पारी में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का मौका मिलता है, उसका फायदा भी जरूर उठाना चाहिए दोनों टीमों को। रिदम तोड़ने के लिए टीम का जरूरी होता है ये। स्कोर बढ़ता हुआ रामबास का 7-14 आगे पर पहुंच गया रामबास 7-7। बहुत जबरदस्त यहाँ पर अटैक सेंटर रामबास के 8-14। ये जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, जो ही टीम अटैक की कोशिश करती है बॉल तुरंत मैदान से बाहर हो रही है। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर सेंटर के द्वारा जबरदस्त खेल का प्रदर्शन। सर्विस एक बार फिर से 8-14 सर्विस रामबास के पल्ले में, अच्छी सर्विस छोटे कद के युवा खिलाड़ी के द्वारा, उतनी ही अच्छी अंडर हैंड डिफेंसिव बॉल, एक और टॉप लोट यहाँ पर नेटियर के द्वारा सर्विस चेंज होती हुई 14-8 का स्कोर है। 14 है डंडेड़ा और 8 पॉइंट है रामबास के। बहुत अच्छा यहाँ पर लोट लगाया गया, बहुत अच्छा जबरदस्त प्रयास, बिल्कुल मरी हुई बॉल को जीवित कर लिया डंडेड़ा के खिलाड़ियों ने। शानदार पंद्रह आठ काफी टाइम के बाद एक पॉइंट बढ़ता हुआ डंडेड़ा की टीम का। एक बार फिर से ओवर ट्राई दोनों नेटियर प्लेयर के द्वारा लगातार होती रही है, दोनों टीमों के लिए इन्होंने पकड़ा बराबर रखा है 8-15 रामबास 8 डंडेड़ा 15। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर रामबास के खिलाड़ी के द्वारा 9-15। अब जो स्कोर के बीच में एक अंतर नजर आ रहा था वो बिल्कुल कम होता हुआ लग रहा है 9-15। बहुत अच्छे कोई खिलाड़ी है रामबास के जो सेंटर हैं, कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ लगातार खेलते हुए, लेकिन मिस जज इस बार इन बॉल की सर्विस चेंज 15-9 सर्विस करेंगे डंडेड़ा के खिलाड़ी, 9 पॉइंट है रामबास के। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन खिलाड़ियों के बीच में, उसका को भुगतना पड़ेगा 16-9। अब अगर एक दो नंबर हो जाए तो यहाँ पर गैप जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस प्रकार खेल के अंदर माना जाता है कि अटैक करना डिफेंस की बेस्ट फॉर्म होती है, वो काम यहाँ से करना पड़ेगा रामबास की टीम को। 10 और 16 10 और 16 अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्वार्टर फाइनल मैच है ये, बराबरी की दोनों टीमें हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर लेकिन बहुत कमजोर मैं इसको मानूंगा, बिल्कुल आसान हाथों पर आई हुई बॉल को अपने ग्राउंड में स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, खड़ा कर लिया बॉल को 16-10 सर्विस डंडेड़ा की। अच्छे खिलाड़ी डंडेड़ा की टीम में, अच्छे
दोनों टीमों ने ऐसे नहीं दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में मुकाबला कर रही है, कमजोर होती तो पहले ही राउंड में चली जाती अपने घर। 17-10 17-10 डंडेड़ा 17 और रामबास अच्छा अटैक यहाँ सेंटर के द्वारा भी के द्वारा होल्ड हो रही है, बहुत टाइम मिलता है किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। 10-17 ने लगातार बहुत ज्यादा गलतियां की है दोनों टीमों की ओर से, नंबर चुराने के प्रयास में वो फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं नंबर। 17-10 18-10 अब जो फासला है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ, लेकिन अपने वापसी के लिए टीम जानी जाती है। बहुत अच्छी रैली यहाँ पर चलती हुई दोनों टीमों के बीच में, डंडेड़ा 19-19 और रामबास 10। टाइम आउट यहाँ पर रामबास की टीम के द्वारा सर्विस करेंगे डंडेड़ा के खिलाड़ी। 19-10 है स्कोर, बहुत ही लूज पॉइंट यहाँ, मैच पॉइंट लंबे विसल के साथ लास्ट 20-10 मैच पॉइंट ही होगा। 20-10 नामुमकिन खेल में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी कुछ भी नहीं है। तो ये मैच गंवाती हुई यहाँ पर रामबास की टीम, डंडेड़ा की टीम ने 21-10 के अंतर से हरा दिया है उसको।